मैं आपसे एक अजीब सा सवाल पूछने वाला हूँ, घबराना मत। हाँ, वैसे ये सवाल थोड़ा डरा देने वाला ही है। आपने कभी मुर्दे को चल के जाते हुए देखा? हाँ? इस केस में कुछ ऐसा ही हुआ। एक बंद कमरे में से एक लाश गायब हो गई। लाश कहाँ गई किसी को नहीं मालूम, कोई उठा के ले गया कुछ नहीं मालूम। हम लोग ये टेंशन में थे कि खून किसने किया है, और जब हम लोग वहां पहुंचे ये देखने के लिए कि खून किसने किया है, वहां लाश थी नहीं। लाश हो तो आगे बढ़े ना, लाश है नहीं वहां पे। उस कमरे में सिर्फ दो लोग थे, एक ये लाश, एक मरा हुआ आदमी, और दूसरा वो आदमी जो बेड पे लेटा हुआ है कोमा में। जब हम उस आदमी के पास गए और देखा, तो जो देखा वो हम आपको बता नहीं सकते, आप खुद ही देख लीजिए। और वो मुर्दा, वो आखिर में जाके पता चला कि कहां गया। अरे तुम आ गए, लाओ फाइल ना सर, और इन्हें आइसोलेशन कर दो। अरे ये क्या, ये तो बहुत सीरियस है, कोमा में। तुमने मुझे ये सब नहीं बताया था? आपने तो कहा था कि डॉक्टर रेड्डी इनका ऑपरेशन कर देंगे। अरे वो तो कहा था, लेकिन यहाँ तो केस बहुत सीरियस है। आप कौन है? जी मैं इनका भतीजा हूँ, इनका बेटा तो यूएस में है। बुला लो उनको इधर। ड्रिप लगा दिया। हृदय को फोन करके जल्दी ऑपरेशन नहीं करा सकते क्या? मुझे नहीं लगता ऑपरेशन करने से भी कुछ होगा। डॉक्टर आपने तो कहा था कि अगर अंकल को इस हॉस्पिटल में लाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। आपको मैंने बताया ना, आप जिस हालत में। एनीवेज मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मैं वहां से फोन कर लूंगा, आप मुझे रिपोर्ट करते रहना प्लीज। आप बाहर वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। जी अंकल, अंकल हेलो। जी जी डॉक्टर साहब, जी जी मैं आता हूँ। जी डॉक्टर साहब, वो आपने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया तुम्हें? जी अभी भी तो आपने फोन किया। मैंने? हाँ, और आपने कहा कि कोई जरूरी बात बता रही है मेरे चाचा जी के बारे में, मुझे लगा कि कोई अच्छी खबर होगी। अरे क्या अच्छी खबर होगी, थोड़ी देर पहले ही तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो दोबारा समझा देता हूँ, तुम्हारे चाचा जी के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। जिस हालत में तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आए हो, ये भी बताना मुश्किल है कि उन्हें होश भी आएगा कि नहीं। यही बुरी खबर सुनाने की तो बुलाया क्यों? कब बुलाया तुम्हें और कैसे बुलाऊंगा, मेरे पास तुम्हारा फोन नंबर भी नहीं है। अक्सर मैंने आपको अपना नंबर दिया था। कब? अब आपको याद ही नहीं है तो खैर, थैंक यू। अक्सर वो डॉक्टर हृदय ऑपरेशन के लिए आने वाले हैं। मैं उन्हें फोन करने ही वाला था, इतनी देर में तुम आ गए। मेरी उनसे बात होती मैं तुम्हें बता दूंगा। ओके क्या हो गया भाई साहब? ये दरवाजा बंद है। आईसीयू का दरवाजा बंद? अंदर सिस्टर है क्या? क्या मालूम, मैं तो डॉक्टर साहब से मिलने के लिए गया था। देखता हूँ।
दरवाजा खोलो प्लीज। सिस्टर सिस्टर है कोई अंदर? प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। दरवाजा बंद कैसे हो गया? तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या अंदर? हाँ मेरे चाचा हैं। कहीं उन्होंने तो दरवाजा बंद नहीं किया? अरे वो तो बेहोश है, वो दरवाजा कैसे बंद करेंगे? तुमने किसी को अंदर जाते हुए देखा? जब मैं गया था तब तो कोई भी नहीं था। एक काम करो ये दरवाजा तोड़ो। नहीं नहीं पहले डॉक्टर से पूछना होगा। पर तक मेरे चाचा जी को कुछ हो गया तो? बाद में फिर मेरा नाम मत लेना। कुछ नहीं होगा, दरवाजा तोड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। चलो ये तो मर गया। मेरे अंकल को चेक करो, अंकल को चेक करो, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। अंकल खून खून क्या हो? ओह माय गॉड ये सब कैसे हुआ? हाँ किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? ये तो मर गया, लगता है किसी ने इसका खून कर दिया। पर ये लाश आई कहाँ से? क्या मालूम सर, दरवाजा अंदर से बंद था, हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे हैं। डॉक्टर ये आदमी है कौन? अरे मुझे क्या पता है कौन है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। पर ये मेरे अंकल के रूम में क्या करने आया था? मुझे क्या पता क्या करने आया था, होगा तुम्हारा रिश्तेदार, आया होगा तुम्हारे अंकल से मिलने। डॉक्टर साहब अगर ये मेरा रिश्तेदार होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? अरे एक मिनट यार, ये आदमी अंदर आया कैसे? सर दरवाजा अंदर से बंद कैसे हुआ? अंदर से बंद? किसी ने इस आदमी को अंदर आते हुए देखा है? सर दरवाजा इन्होंने बंद किया था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये आदमी कोमा में है, मरने पड़ा है, ये दरवाजा कैसे बंद करेगा? सर अंदर और कोई नहीं था। तुम ना पागल हो गए जो ऐसी बातें कर रहे हो। सर बात अगर पता नहीं चली तो पागल जरूर हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ये पता करना होगा कि इस आदमी को मारा किसने। सर अंदर कोई भी नहीं था। अरे फिर वही बात, तुम मेरे अंकल पे खून का इल्जाम लगा रहे हो। एक तो वो दरवाजा तुम्हारे सामने टूटा, तुमने अपनी आंखों से देखा है, आईसीयू में दूसरा कोई नहीं था, तो इसका मतलब मेरे अंकल ने खून किया है। हाँ अरे बस करो तुम, जरा जाके देखो दूसरा दरवाजा, जाके चेक करो। एक मिनट सर। सर दरवाजा अंदर से बंद है। मतलब वहां से भी कोई आया या गया नहीं, तो फिर ये सब हुआ कैसे? सर सीआईडी को बुलाया जाए। सीआईडी? हाँ हाँ यार, देखो मैं अभी अभी ब्यूरो पहुंच रहा हूं, इसके बाद मैं फाइल खोल के देखूंगा, तब पता चलेगा कि क्या। हाँ तो मैं कह रहा था कि यार ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मैं ब्यूरो में हूं, अभी आवाज वगैरह कहां से आ रही मुझे? डैम इट। अच्छा ये आवाज भी उसका बकवास छोड़ो, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने कहा ना मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, दैट्स ऑल। यप विवेक ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो फिर ये क्या है? ये नया साउंड लेवल टेस्टर है सर, कल ही आया था सर। तो मैं देख रहा था कि ये है क्या सर। ये तुम अचानक कहां से आ गए? सर मैं अभी अभी आया हूं सर, बाहर लेके गया था इसको। ये अचानक हमारे राजकुमार के चेहरे पे हंसी कैसे? अबे गधे के जैसे हंस क्यों रहे हो? तुम अपने कान क्यों खींच रहे हो? सर कुछ नहीं सर। क्या देखो क्या हो रहा है, बाहर खून पे खून होते जा रहे हैं और ये मेरे दोनों डायमंड्स एक अपने कान खींचे जा रहे हैं और ये ऐसे हंसते जा रहे हैं जैसे कि फ्रेडी क्या हुआ? ये तो हंस रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रो रहा है और ऊपर से मेरी शक्ल देख के तो और भी हंसते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा इसकी इतनी हिम्मत। कान में क्या है फ्रेडी सर? क्या हो रहा है फ्रेडी?
क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, वो विवेक ने कहा था कि साउंड लेवल टेस्ट करने के लिए नया इक्विपमेंट आया है, मैं आवाज करूंगा भोपू से, तू देखना तेरे कानों में होता क्या है। विवेक कहाँ है वो भोपू? हेलो एसीबी प्रद्युमन है हॉस्पिटल में, आईसीयू में, कमरा अंदर से बंद था और लाश। अच्छा ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। हाँ दे जल्दी से बीके मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचो, वहां पर एक खून हुआ। हॉस्पिटल में? हाँ हॉस्पिटल में, और वो भी आईसीयू में, जहां पर एक पेशेंट लेटा हुआ है कोमा में। तो खून? खून एक आदमी को हुआ जो बाहर से आया, आईसीयू का कमरा अंदर से बंद था और अंदर सिर्फ ये पेशेंट लेटा हुआ है। मैंने कोई नहीं, कौन है बात? मालूम नहीं कौन है, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हैं उसकी। मतलब गड़बड़? गड़बड़ तो है ही, मर गया वो। मारा किसने? इसीलिए तो आपको बुलाया ताकि आप पता कर सके कि किसने मारा है। कमरे में कोई और है? एक पेशेंट है। कर उसने तो नहीं किया सब? वो तो खुद मरने वाला है, कोमा में है, वो क्या मारेगा। किसी ने खून होते हुए देखा? नहीं। लाश कहाँ? आइए। अरे अरे वो लाश कहाँ गई? कहाँ गई मतलब? यहाँ पर वो लाश पड़ी हुई थी। अरे यहाँ से किसी ने लाश हिलाई क्या? तुमने कुछ किया? नहीं सर, मैं तो बाहर गया था सबके साथ में। तो फिर यहाँ से लाश कहाँ गई? डॉक्टर साहब साफ साफ बताइए बात क्या? अरे हमें यहाँ पर एक लाश मिली थी, हम सब उसके बाद बाहर चले गए, मैं आप लोगों के साथ अंदर आया तो अब वो लाश यहाँ पर है ही नहीं। कोई उठा के ले गया होगा? यहाँ किसी ने किसी को यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? नहीं सर, यहाँ से कोई भी बाहर नहीं गया। तो फिर वो लाश गई कहाँ? लाश को कोई उठा के लेके नहीं गया सर, लाश अपने आप चल के गई है। हाँ सर, मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो आदमी मरा ही नहीं था। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने उसे खुद चेक किया था, वो मर चुका था। अगर वो मरा हुआ था तो लाश कहाँ गायब हो गई? ये दरवाजा हमेशा बंद रहता है। ये भी हो सकता है कि लाश के यहां से जाने के बाद किसी ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता, अंदर कोई था ही नहीं, बंद कौन करेगा? ये आदमी है ना जो कोमा में पड़ा है। ये कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं अपने अंकल के बारे में? लाश अगर यहाँ से चल के गई है तो सिर्फ यही आदमी है जो यहाँ से दरवाजा बंद कर सकता है। देखिए मैडम, ये आदमी कोमा में, आप मतलब समझ रही है ना, ये अपने आप चल फिर नहीं सकता है, ये बेहोश है हमेशा के लिए। डॉक्टर साहब मुझे तो लग रहा है कि ये आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है और बेहोशी का ड्रामा कर रहा है। अगर आप लोगों को इतना ही शक है ना तो आप खुद चेक कर लीजिए ना। जी एक काम कीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। देखा विवेक, मुझे पहले से शक था, ये डॉक्टर साहब पेशेंट से मिले हुए। हाँ सर हो सकता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, जरा एक बार फिर से चेक कीजिए। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? क्या हुआ डॉक्टर साहब? ये मर चुका है, he is dead. नहीं ये नहीं हो सकता अंकल, अंकल। अब हमें कौन बताएगा कि यहाँ से लाश गई कहाँ? रेड, हॉस्पिटल के स्टाफ से पता करो किसी ने उस लाश को देखी है क्या, जल्दी। ट्राई करो ट्राई, हाँ करो 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 करो। ये क्या हो रहा है, ये क्या मजा आ गया? आप यहाँ खूनी को ढूंढने आए हैं या? खूनी को हम बाद में ढूंढेंगे, पहले ये तो पता चले कि लाश गई कहाँ। लेकिन ऐसे उड़ने से खूनी थोड़ी ना मिलेगा। नहीं मिलेगा? पर सर कैसे मिलेगा? अच्छा ठीक है, तू ये बता
लाश गई तो गई कहां? सर वो तो अभी पता चलेगा। कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि लाश उड़कर कहीं चली गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? लाश कैसे उड़ सकती है? हाँ उड़ सकती है, फ्रेडी सच बोल रहा है। उड़ती हुई लाश मैंने तो कभी नहीं सुना। तो फिर सबके सामने से लाश गायब कहां हो गई? वो लाश यहां से चल के गई है। सर मतलब वो आदमी जिंदा था? हो सकता है, तभी तो वो गायब है। नहीं हो सकता, मैं आपसे पहले भी कह चुका वो मरा हुआ था। देखिए डॉक्टर साहब, अगर वो मरा हुआ था तो उड़ के गया, नहीं तो चल के गया। यहां से इस आईसीयू में से किसी आदमी को बाहर निकलते हुए देखा है किसी? हाँ अभी भी टाइम है, बता दो, छुपाने की कोई बात नहीं है। देखा है किसी ने? एक ऐसा आदमी जिसकी लंबी दाढ़ी मूछ, किसी ने तो देखा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने देखा ही ना हो? इस कॉरिडोर में से एक खूनी चल के बाहर निकला है आप लोगों के सामने से और किसी ने नहीं देखा। वाह कमाल है, तुमने देखा? तुमने देखा किसी ऐसे आदमी को जिसे इस हॉस्पिटल में पहले कभी देखा नहीं गया? हाँ मैंने देखा था। देखा? हाँ कौन था वो? एक मिनट मैं पूछूं, किसको देखा? वो एक धोबी को, वार्ड बॉय जैसा दिखता था। उसकी दाढ़ी मूछ थी? नहीं सर, ये तो कोई नया चक्कर है। दो दो आदमी हो गए, एक तो वो दाढ़ी वाला और दूसरा ये। वो एक सफेद चादर में कुछ कपड़े लपेट कर ले जा रहा था। सफेद चादर में कपड़े? हाँ मैंने उससे पूछा भी कि आज तो कपड़े धोने का दिन नहीं है, फिर कहाँ ले जा रहा है? तो वो बोला कि मैं इस हॉस्पिटल में नया नया आया हूँ। तुमने साथ में को देखा कहाँ पे? वहाँ। रेडी विवेक, भाग के देखो वह है क्या, जल्दी। यस सर। लावण्या इसके साथ बैठ के उस धोबी का स्केच बनवाइए, आप हमारे लिए उस आदमी का स्केच बनवाइए प्लीज। जी। और डॉक्टर साहब चलिए, अब हमारे लिए उस दाढ़ी वाले का स्केच बनवाइए। ओके हम उस स्केच से ही उसे ढूंढ लेंगे। सर एक मिनट, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो। सर वो खून से कुछ देर पहले उस डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो उसने मना कर दिया कि उसने मुझे बुलाया ही नहीं। सर मेरे चाचा जी उस वार्ड में अकेले थे, तभी वो दाढ़ी वाला आदमी उस आईसीयू में गया और उसने उनका खून कर दिया। तो ये बात है। सर अगर मैं वहां होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। सर हाँ सर, स्केच बन गया। स्केच बन गया? यस सर। ये दाढ़ी वाला आदमी है, दूसरा ये है। ओह तो ये है। चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि ये दोनों दिखते कैसे हैं। बस इन्हें जल्दी से दया के पास भेज दो और को हॉस्पिटल में पूछताछ करें। सर अभिजीत, कभी कभी हमारा फ्रेडरिक्स अकल की बात करता है। जी सर, इज ए गुड डिटेक्टिव। अरे छोड़ो गुड डिटेक्टिव, आदमी अच्छा है बस। कल देखा कान में रुई डालकर क्या कर रहा था। मगर सर जो उसने हॉस्पिटल में बोला है उस कोमा वाले पेशेंट के बारे में। कोमा वाले पेशेंट के बारे में, इसीलिए कह रहा हूँ कभी कभी अकल की बात करता है वो। अभिजीत मुझे तो लगता है ये सारा चक्कर उस कोमाटोज आदमी का ही है। मुझे बताओ एक लाश अपने आप गायब कैसे हो सकती है? सर या तो कोई उसे उठा के ले गया है या फिर लाश अपने आप चलकर चली गई। यस सर। लेकिन लाश अपने आप कैसे चलकर जा सकती है? सर जब लाश लाश ना हो। हाँ जब लाश लाश हो ही ना। यस सर। लेकिन लाश को लाश बनाया किसने? डॉक्टर ने। डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर ने ही लाश को देखा और डॉक्टर ने ही कहा कि वो मर गया है। मगर सर डॉक्टर इतना बड़ा खतरा मोल क्यों लेगा? एक आदमी को ऐसे ही बोल देगा कि वो मर गया है। अगर बीच में कहीं वो आदमी उठ के खड़ा हो जाता तो डॉक्टर तो मारा जाता। मुझे तो लगता है ये डॉक्टर और वो लाश दोनों मिले हुए हैं, इसीलिए तो लाश बनकर लेटा रहा और बाद में मौका देखते ही वहां से निकल गया। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर उस कोमा वाले पेशेंट ने उठ के दरवाजा बंद किया अंदर से, तो लाश के जाने के बाद उसकी मौत कैसे हो गई? अभिजीत मुझे तो लगता है ये दाढ़ी वाला आदमी
आईसीयू में गया और उसने उस कोमाटोज आदमी का खून कर दिया। और जब उसने देखा कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल है तो चुपचाप लाश बनकर लेटा रहा। अगर डॉक्टर के हिसाब से तो वो मर चुका था, मतलब डॉक्टर को मालूम था कि वो आदमी जिंदा है मरा नहीं है। यस अभिजीत, ये डॉक्टर ही हमसे कुछ छुपा रहा है। देखो दो बातें हो सकती है, या तो वो कोमाटोज आदमी कोमा में था ही नहीं, या फिर वो दाढ़ी वाला आदमी मरा ही नहीं था। अगर सर वो दाढ़ी वाला आदमी फिर बाहर भागा कैसे? अभिजीत, उसने मौका देखा और जैसे सब लोग वहां से निकल गए आईसीयू के पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। नहीं सर, पीछे वाला दरवाजा अंदर से बंद था और उस दरवाजे की हालत देख के ये लग रहा था कि वो सालों से खुला ही नहीं। ठीक है, देखते हैं दया को क्या पता चलता है। दया, बड़ा अफसोस हुआ है जानकर कि तुम्हारे गवाह का किसी ने खून कर दिया। खून कर दिया? हाँ, कुछ तो सोचना चाहिए था उसे। आओ बताता हूँ डॉक्टर तारिका, ये देखो, देखो ये गर्दन की हड्डियां कैसे तितर बितर हो गई, किसी ने बड़ी जोर से गर्दन दबाई होगी। मगर ये आदमी तो वैसे ही मरने वाला था। यही तो चक्कर है दया, जिस किसी ने भी इस आदमी को मारा है, गाड़ी वाला, अब ये तो नहीं मालूम कौन था, लेकिन जिस किसी ने भी मारा है उसे मालूम नहीं था कि यह आदमी पहले से ही कोमा में, और दूसरा वो आदमी हर हालत में इसे मारना चाहता था। डॉक्टर सालुंके, एक बात बताइए, एक बंद कमरे में एक आदमी, ये वाला, लेटा हुआ है कोमा में, ठीक, और दूसरा आदमी जमीन पे पड़ा हुआ है मरा हुआ, और कमरा अंदर से बंद है। हाँ, तो ये बताइए उस आदमी को किसने मारा जो जमीन पे पड़ा हुआ था? अंदर से बंद है, ये आदमी कोमा में है, इसी आदमी ने मारा होगा, क्योंकि यही आदमी था ना। देखो, हमें उस टाइम तक ये नहीं मालूम कि ये आदमी कोमा में था या नहीं था। वही तो मैं बोलने वाला था सर, वही बोल रहा था मैं। क्या बात कर रहे हो? जैसे ही हम लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो आदमी मरा हुआ जमीन पे पड़ा था वो गायब है। मरा हुआ आदमी कमरे में से गायब है? मरा हुआ आदमी कहां उठ करके जा सकता था, और किसी ने उसे जाते हुए देखा भी नहीं। मैं बताता हूं सर, वो आदमी कहां गया है। पहली बात तो ये कि ये आदमी कोमा में था ही नहीं। अच्छा चलो मान लिया। फिर दूसरा, वो जो जमीन पे लेटा हुआ था वो मरा हुआ नहीं था। मगर वहां डॉक्टर ने कहा कि वो मरा हुआ था। एक मिनट, चलो थोड़ी देर के मान लेते हैं कि डॉक्टर ने झूठ बोला। फिर वहां पे जो दूसरा दरवाजा था, इस आदमी ने उठ के दरवाजा खोला, उस आदमी को बाहर जाने दिया। जब वो बाहर चला गया तो इसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस आकर लेट गया। वापस आकर लेट, ठीक है। फिर इस आदमी को किसने मारा? अब वो किसने मारा? अब नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। पेड़ी, इतना आसान नहीं होता है केस को सॉल्व करना, और वो भी बंद दरवाजे के केस को सॉल्व करना, दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ एक बात बताऊं, कम अब कम 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 पेड़ी, ये जो आदमी है ना, ये वाकई कोमा में था। हाँ, ना तो ये उठ करके जा सकता था, ना वापस आकर के लेट सकता था। एक बात और, डॉक्टर तारिका, ये देखो, ये इसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। ये क्या है अभी नहीं मालूम, कल तक पता लग जाएगा, लेकिन ये कुछ है जो इसके चेहरे पर लगा हुआ है। हेलो, हाँ हाँ श्याम सुंदर, क्या हुआ? क्या कह रहा, तुमने पी तो नहीं रखी? हाँ अच्छा, कहाँ पे? वही दाढ़ी वाला? देख अगर ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। सर, मैं उस आदमी का पीछा करते करते जूह पहुंच गया हूं।
तुम जुहू में कहाँ पे हो? सर कोने में ये जो पान की दुकान है उसके सामने हूँ। और वो इस वक्त कहाँ है? सर वो दुकान में घुस चुका है। ठीक है तुम यही रहो, उसके ऊपर नजर रखो, हम लोग अभी वहाँ पहुँचते हैं। यस सर। सलाम साहब। साहब उस दुकान के अंदर है। वही है? वही है साहब, एकदम जैसा आपने स्केच दिखाया था एकदम वैसा ही है। साहब उसकी हिम्मत तो देखो, उसने दाढ़ी तक नहीं कटाया। कमाल है, बड़ा डेरिंग वाला आदमी लगता है। शायद उसे लगता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये हाँ है तो वही। हेलो। हेलो, क्या हाल है? आप कौन लोग हैं भाई और मेरा हाल क्यों पूछ रहे हैं? मौसम कैसा है? मौसम बहुत अच्छा है, दो तीन दिन से बारिश हो रही है, अभी अभी धूप निकली है। ओके चलता हूँ। कहाँ? मैं? क्या ये क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक ऐसे खींच के दूंगा ना, पैंट गीली हो जाएगी समझे? एक तो खून करके भागा है, ऊपर से हंस रहा है। किसका खून? इसे पहचानते हो? ये तो मेरा फोटो है। नहीं ये तुम्हारी फोटो नहीं है, ये आदमी मर चुका है। ये क्या मजाक है? पहले तो मुझे वहां से यहाँ ले आए और अब कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। ये आदमी मर चुका था, इसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, फिर ये आदमी उठा और उठ के चला गया। लाश उठकर कैसे जा सकती है? जा सकती है, जा सकती है, समझे? कैसे? अब तुम ही बताओ कैसे गायब हो गए थे तुम हॉस्पिटल से? हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल, याद नहीं आ रहा है तो याद दिलाऊं कौन सा हॉस्पिटल? बीके मेमोरियल हॉस्पिटल। सर मैं पिछले 6 महीने से किसी हॉस्पिटल में नहीं गया हूँ। एक और लाश वहाँ पे पड़ी हुई है जिसका गला घोटा है तुमने। मैंने गला? हाँ गला घोटा है। गला नहीं घोटा तो फिर कैसे मारा है? सोच रहा है? सोच लो, सोच लो। सोच रहा है कि क्या क्या बताऊं? हमें आम खाने से मतलब, पेड़ क्यों गिने? इसने सच सच बताया तो ठीक है, नहीं तो। सर मुझे ये मालूम करना है कि ये आदमी वहां से गायब कैसे हुआ। सर रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। सर दिन रात यही सोचता रहता हूं कि ये आदमी बंद कमरे में से गायब कैसे हो गया। सर ये कब की बात है? ये भी हमें बताना पड़ेगा है? जी सर। परसों की बात है। परसों? हाँ परसों की। परसों? परसों तो सर मैं यहाँ पर था ही नहीं। मैं तो पिछले हफ्ते से अपने बिजनेस के काम से सूरत गया हुआ था, कल रात यहाँ वापस आया हूँ। और फिर मैं हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में कैसे जा सकता हूँ और सर कैसे किसी का खून कर सकता हूँ? देखो ये ड्रामा करना बंद करो समझे। सर आप चाहें तो सूरत में फोन करके पता कर सकते हैं। मैं आपको उस होटल का नंबर दे सकता हूँ, नाम दे सकता हूँ, पीकेजी होटल बंडेरा रोड। और हाँ जिस आदमी से वहां मेरी मीटिंग होनी थी मैं आपको उसका नंबर दे सकता हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं। तो फिर वो कौन था जो इसके जैसे दिखता है? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। सर हमारे स्टाफ में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसकी शक्ल आपके इस स्केच से मिलती हो। ये कोई बाहर का आदमी है, ये हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का आदमी नहीं है। ध्यान से देखिए और याद करके बताइए, आपने इस आदमी को यहाँ पे देखा है क्या? सर एक मिनट, जिस दिन खून हुआ था मैंने इस आदमी को देखा था। आप कौन? सर मैं इस हॉस्पिटल का स्टोर इंचार्ज हूँ। आदमी को कहाँ पे देखा था? सर ये मेरे पास आया था। आपके पास आया था? सर ये आदमी कुछ सामान लेकर आया था। कैसा सामान? सर वो तो पता नहीं। ये आदमी वो सामान एक सफेद रंग की चादर में लपेट कर लाया था। सफेद रंग की चादर? अरे यार तो पहले क्यों नहीं बताया, वो सामान अब कहाँ है? सर वो स्टोर में है अभी। जल्दी से दिखाओ, चलो आइए। कहाँ है वो सामान? यही है वो सामान सर, यही है वो चादर।
अरे ये सब क्या है? सर ये तो किसी के बॉडी के पार्ट्स है सर। इसने खून किया कैसे का? मालूम होता तो सर कभी नहीं रखता। लगता है एक और खून हो गया है। अब तो तू भी फंसेगा। कोई आदमी हॉस्पिटल में बॉडी के पार्ट्स लेकर के घूम रहा है, कमाल है। हाँ सर, किसी लाश में से काट के निकाली है उसने ये। लाश में से मतलब? मतलब सर वो मुर्दा घर में रखी हुई रहती है ना, वो लाश है सर। ओ, मतलब उसने मुर्दा घर की लाश के नाक और कान काटे और स्टोर रूम में रखाया। हाँ सर। पर क्यों? उसने ऐसा किया क्यों? एक तो हॉस्पिटल में किसी ने भी उस आदमी को पहले वहां कभी नहीं देखा, और जब खून हुआ तभी वो आदमी वहां आया। क्यों? से ये खून उसी आदमी ने किया है। तुझे कैसे मालूम? तू था क्या वहां पे? सर मैं एक डिटेक्टिव हूं सर। डिटेक्टिव? अच्छा ठीक है, एक बात बता, वो आदमी सफेद कपड़े में कटी हुई नाक और कान लेके क्यों घूम रहा था? सर ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ सर। खत्म, डिटेक्टिव गया गड्ढे में। सर आपको मालूम है कि वो आदमी कटी हुई नाक लेकर क्यों घूम रहा था? यस, वो अगर किसी लाश की कटी हुई नाक होती तो अब तक हल्ला नहीं मच जाता हॉस्पिटल में। मैं बताती हूँ कि हल्ला क्यों नहीं मचा। हल्ला इसलिए नहीं मचा क्योंकि ये नाक और ये कान नकली है। ये देखो, ये नाक लेटेक्स की बनाई गई है जो फिल्म्स में और टीवी में मेकअप में काम आती है। मतलब ये आदमी कोई मेकअप मैन है जो तरह तरह के मेकअप कर सकता है। और ये आदमी हॉस्पिटल में कोई और आदमी बनकर घूम रहा था। ये आदमी अलग अलग भेष बदल के मेकअप करके घूम सकता है, पर ये आदमी है कौन और वो ऐसे कर क्यों रहा है? देखो निखिल, तुम्हारे जैसे दिखने वाला एक खूनी लोगों को दिखाई पड़ा है, समझे? तो कुछ तो हुआ होगा तुम्हारे साथ, कोई तो मिला होगा तुम्हें, या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है जो तुम्हारे जैसे दिखता है? नो सर, मेरा ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है जो एकदम मेरे जैसा दिखता हो। तो फिर कोई तुम्हें मिला होगा, कोई जिसे देखकर तुम्हें ऐसे लगा है कि कुछ अजीब है या फिर कुछ गड़बड़ है? हाँ, याद करो। सर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो हुआ है तुम्हारे साथ। वो आदमी बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखता है, तुम्हारे जैसे। सर मुझे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला है जो एकदम मेरे जैसा दिखता हो। फ्रेडी, इसे गिरफ्तार कर लो, ये हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। चलो भैया बहुत हो चुका। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये तो गलत बात है। अच्छा, तुम किसी ऐसी जगह गए थे जहां कोई पेंटिंग कर रहा हो, जिसने तुम्हें देख के तुम्हारी स्केच या पेंटिंग बना दी? स्केच या पेंटिंग? नहीं सर, स्केच या पेंटिंग तो नहीं। हाँ सर, मैं एक जगह फोटो खिंचवाने के लिए गया था। कहाँ पे? एक फोटो स्टूडियो में गया था। कहाँ है फोटो स्टूडियो? मलाड में। क्या नाम है इस फोटो स्टूडियो का? सर क्लिक फोटो स्टूडियो। क्लिक फोटो स्टूडियो। यही है वो फोटो स्टूडियो। आइए सर आइए। यही आदमी जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है, वो तो कोई और आदमी था। सर आप किसे ढूंढ रहे हैं? देखो मैं पिछले हफ्ते यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए आया था, लेकिन तब यहाँ पर कोई और आदमी था। पिछले हफ्ते यहाँ पे मेरी जगह? और उसने टोपी भी पहन रखी थी, और सर उसकी दाढ़ी भी थी, फ्रेंच दाढ़ी। सर वो, सर समझा सर, वो पप्पू है, उसका नाम पप्पू है सर। पप्पू? जी हाँ सर, यहाँ पर असिस्टेंट था सर, लोगों की फोटोग्राफ खींचता था और उन्हें बेवकूफ बनाता था सर, फोटो को मॉर्फिंग कर देता था। ये क्या चक्कर है सर? एक फोटोग्राफ के ऊपर दूसरी फोटोग्राफ चिपका देता था। एक बार एक लड़की के साथ मैंने उसे एक लड़के की फोटोग्राफ चिपकाते हुए देख लिया सर, रंगिया तो पकड़ लिया, इमीडिएटली निकाल दिया सर। वो अभी आनी है सर, वो तो मेरा स्टूडियो बंद करवाने निकला था, निकाल दिया उसे। वो कहां गया ये तो मालूम होगा आपको? अब क्या मालूम सर कहां गया, मुझे तो लगता है सर उसकी सारी बात नकली थी। पर उसका कोई एड्रेस वेड्रेस तो लिखा होगा उसने? सर सब नकली है सर, सब नकली। फिर भी जो एड्रेस लिखा है वही देना, नकली है तो नकली सही। इसने उस फोटोग्राफर की स्केच बनवा दिया जिसने स्टूडियो में इसकी फोटो खींची थी। ओ।
मिनट, ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है। सर, ये आदमी मुझे मिल जाए एक बार, इसकी गर्दन पकड़ के पूछूंगा कि भाई तू गायब कैसे हुआ था। चेहरे का ये हिस्सा, अभिजीत जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ये तो क्या लगता है दया? हाँ सर, ये सारे स्केचेस एक ही आदमी के लग रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सारे स्केचेस एक ही आदमी के हैं। मुझे तो लगता है ये उस फोटो की दुकान वाले आदमी के ही है। दया, वापस उस फोटो की दुकान में जाओ, याद में वहीं पर होगा, पकड़ लो उसे। सर, ये तो भाग गया दुकान बंद करके। वो यहाँ से भाग गया तो साफ है वो आदमी ही गड़बड़ है, उसे तो हमारा भी बेवकूफ बना दिया। सर, इस बाजू वाले दुकान वाले से पूछते हैं। भाई साहब, क्या आपको मालूम है कि ये फोटो स्टूडियो वाला आदमी कहाँ रहता है? हाँ हाँ, शास्त्री नगर में। दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब अंदर ही होगा। चलो अच्छा हुआ यही मिल गया, नहीं तो कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता। दरवाजा खोलो। सर, लगता है ये दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सर क्या करें, तोड़ दें? ए, ए, संभाल के, कोना कोना छान मारो, यहीं कहीं छुपा बैठा होगा वो। क्या हुआ फ्रेडी? हाँ, चाय गरम है सर। कमाल है फ्रेडी, कितना गरम है ये? इतनी तो गरम नहीं है सर, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो आसपास ही कहीं है। से भागा है वो, इतनी देर की तुमने दरवाजा तोड़ने में, नहीं तो पकड़ लेते उसे। सर, मैं तो बार बार दया से कह रहा था दरवाजा तोड़ने के लिए। फ्रीडल क्या? हेलो, हाँ, ये कहाँ का नंबर है? सुमा ट्रैवल एजेंट। हाँ, जुना चौल से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ से फोन किया था। हाँ, अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। या क्या चक्कर है सुमा ट्रेवल्स का? ये आदमी पूना जा रहा है, इसने बस की टिकट बुक की है और बस थोड़ी देर में निकलने वाली है। चलो निकलो। तो ये देखिए, ये सूटकेस खुला पड़ा था, लिपस्टिक और बाकी मेकअप का सामान भी बिखरा पड़ा था। सर ये देखिए, लड़कियों की विग और ये लड़कियों के कपड़े। ये लड़कियों के सामान का ये आदमी करेगा क्या? सर, ये आदमी मेकअप करना जानता है और इस बार लड़की बन के गया है। सर एक मिनट सर। सर, वो देखो सर, वो अलग तरीके से चल रहा है, मतलब चल रही है सर। लग तो रहा है। सर, आप जाके उसे पकड़ लो सर। ए, कहाँ भाग रहा है? रुक जा। लड़कियों के कपड़े पहन के तू दुनिया को बेवकूफ बना सकता है? मुझे नहीं, मैंने तो तुझे दूर से देख लिया था कि तू आदमी है। आदमी बोलता है? आदमी बोलता है? क्या कर रहे हैं? मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी?
कहाँ भाग कर रही है तू? मैं हाँ? मैं कहाँ भाग रही हूँ? आवाज बदल के बोल रही है, बोल रहा है हा? मेरी आवाज का मजाक मत उड़ाओ, मेरी आवाज ही ऐसी है। अच्छा तेरी आवाज मैं ठीक करता हूँ। हाँ हाँ मैंने ही अजीत का खून किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि अजीत ने मुझे खून करते हुए देख लिया था, सोहन का खून। तुमने एक और खून भी किया था? हाँ। था कौन ये सोहन? सोहन सोहन ने मुझे कुछ पैसे देने थे लेकिन अचानक वो पैसे देने से मुकर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं उसके पास गया, हम दोनों में झगड़ा हुआ और मेरे हाथों उसका खून हो गया। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि अजीत अपनी बालकनी से ये सब देख रहा है। उसने मुझे सोहन का खून करते हुए देख लिया था। फिर मैंने अजीत को पैसे देने की बहुत कोशिश की उसका मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। उसने मुझसे कहा कि वो पुलिस को मेरे बारे में सब कुछ बता देगा और मजबूरी में मुझे उसका भी एक्सीडेंट करवाना पड़ा। तभी उसे हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ, मुझे डर था कि कहीं अजीत को होश आ गया तो वो पुलिस को मेरे बारे में सब बता देगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा निखिल जैसा बनाया और हॉस्पिटल जाकर उसे मार दिया। मगर गायब कैसे हुआ तू, पहले ये तो बता दे। उस दिन आईसीयू में कोई नहीं था, मैं चुपचाप अंदर गया। अजीत को दाढ़ी मूछ लगाकर उसे नीचे लिटा दिया। और खुद अजीत बनकर बेड पर लेट गया। डॉक्टर ने सोचा बाहर वाला आदमी मरा है। फिर बाद में मैंने अजीत को बेड पर लिटा दिया और खुद वार्ड बॉय बनकर वहां से चुपचाप निकल गया। वाह, क्या प्लान बनाया था? क्या सोचा था तुमने कि बहरूपिया बनकर सीआईडी को चकमा दोगे? सीआईडी से बचना इतना आसान नहीं है, समझे? बहुत भेष बदल लिए, दो दो खून भी किए, अब जितने सारे जुर्म किए उन सब का जुर्माना भरना पड़ेगा तुम्हें जेल में जाकर। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।